हेलो फरमाइश। अपनी पसंद का कोई भी फिल्मी नगमा सुनने के लिए हमें फोन करें। कश्मीर कन्वीनर लेकर आया है आपके लिए फिल्मी नगमों का एक नया प्रोग्राम एक नए अंदाज में, जिसका नाम है हेलो फरमाइश। के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। दिल है के मानता नहीं, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाले अख नू मिला के दिल दिया गल्ला। आपकी फोन कॉल से तरतीब दिया हुआ ये प्रोग्राम अब हफ्ते में हर बुधवार और इतवार को रात के ठीक 10 बजे नशर हुआ करेगा। दोस्तों, आप अपना ये मनपसंद प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर कभी भी और किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और अपना पसंदीदा नगमा सुनने के लिए हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 7780882780। दोस्तों, अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश में जरूर कॉल करें। हम हर शनिचर को शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और तू आए, खुदा करे के कयामत हो और तू। हेलो फरमाइश। सभी दोस्तों को अंजुम निसार का प्यार मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, आपकी फोन कॉल से तरतीब दिया हुआ फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन प्रोग्राम हेलो आपकी फरमाइश लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। तो दोस्तों, आइए अब हम प्रोग्राम का आगाज करते हैं और देखते हैं हमारे फोन लाइन पर कौन साहब मौजूद हैं और वो कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं। हेलो फरमाइश। आदाब, मैं जमशेदपुर से उपेंद्र सिंह राजपूत। जी जी जी, उपेंद्र सिंह राजपूत साहब, आप हर रोज हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जी जी। तो ये बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं? प्रोग्राम के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं है अंजुम साहब, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम पेश होता है। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं आपको तो बार बार कह चुका हूँ कि आपकी आवाज मुझे इतनी भाती है ना कि बस कुछ पूछिए मत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चार लाइन आपसे कुछ कहना चाहूंगा मैं। जी जी जी, प्लीज। लम्हे ये सुहाने साथ हो न हो, लम्हे ये सुहाने साथ हो न हो,
कल में आज जैसी बात हो न हो, अपनी दोस्ती हमेशा इसी तरह दिल में रहेगी, चाहे पूरी उम्र मुलाकात हो न हो। अरे वाह, बहुत खूब बहुत खूब, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तो ये बताइए कि आज हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? आज एक पाकिस्तानी फिल्म है महबूब है जी, उसमें नूरजहां की बहुत ही दिलकश नगमा है, निगाहें मिला के बदल जाने वाले। अरे वाह, बहुत खूबसूरत नगमा है ये। तो हम आपके लिए जरूर आपकी पसंद का नगमा पेश करेंगे नूरजहां की आवाज में, मलिक तरन्नुम में से कहते हैं, आप भी जानते होंगे। जी जी। और क्या और कोई दोस्त आपके साथ हैं जो ये नगमा सुनना चाहते हैं? हाँ, हमारे साथ हमारे एक पुराने दोस्त हैं चावासा के जीवन विश्वकर्मा और गोपालगंज के रामजी प्रसाद जी। आप तीनों दोस्तों के लिए पेश कर रहे हैं मलिक तरन्नुम नूरजहां की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा। हेलो फरमाइश। अस्सलाम वालेकुम मंजुम साहब जी। वालेकुम अस्सलाम। मैं खंडवा एमपी से मौसम मंसूरी बोल रहा हूँ। जी जी, मैं कहने ही वाला था क्योंकि मैंने आपको पहचान लिया मेरे भाई। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। मोहब्बत तो आप लोगों की बहुत ज्यादा है जो आप हर रोज हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, अपना वक्त निकालते हैं कीमती वक्त में से। आप जी, लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये बताइए कि हम आपके लिए आज कौन सा नगमा पेश करें? जी, वैसे तो आपको मैंने शायद पिछली बार भी बताया था कि मैं खंडवा किशोरदास की नगरे से हूँ। जी जी जी। लेकिन मुझे आज भी रफी साहब का ही नगमा सुनना है।
जरूर सुनवा दें इंशाल्लाह। और कभी किशोर दा को सुनूंगा, लेकिन मुझे आज एक नगमा बहुत जो मेरे दिल को बहुत छूता है और अक्सर मैं हर दिन ये नगमा गुनगुनाया करता हूँ, तो जिसकी फिल्म का नाम है पैसे की गुड़िया और नगमे के बोल हैं, कोई फूल न खिलता ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती अगर तू न होती। हाँ, तो ये मेरा बहुत ही पसंदीदा नगमा है रफी साहब का और मैं हर रोज ये नगमे को गुनगुनाता हूँ। तो बस आपसे गुजारिश थी कि ये नगमा सुना दें तो हमारे साथ साथ हमारे सभी दोस्त भी इंजॉय करेंगे और सभी लुत्फ उठाएंगे इस नगमे का। हम जरूर आपके लिए ये नगमा पेश करेंगे, लेकिन एक शर्त पे हम आपको ये नगमा सुनवाएंगे। जी जी जी, बोलिए बोलिए। आपको हमारे लिए भी ये नगमा गुनगुनाना होगा। अरे आप तो वैसे क्या उम्र का पड़ाव है जनाब, तो अब आवाज में वो बात नहीं रही। नहीं कोई बात नहीं, आपकी आवाज तो बहुत प्यारी है। जी जी, वैसे मैं कोशिश करता हूँ। वैसे मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ कि एक दौर मेरा ऐसा था गायकी में कि मैं सभी गायकों की आवाज कॉपी किया करता था। अरे वाह वाह वाह। तो जिसमें किशोर दा की यूडलिंग है, तलत महमूद की कंपन भरी आवाज है और रफी साहब का अंदाज है, मुकेश साहब का, और खास करके केएल सहगल साहब के लिए तो लोग, मेरे दोस्त मुझे आज भी केएल सहगल साहब करके पुकारते हैं क्योंकि उनकी बहुत अच्छे से कॉपी किया करता था। अरे बहुत तो अगर आप, वैसे नगमा मैंने इंतखाब दूसरा किया है, अगर आप कहें तो मैं केएल सहगल साहब को कॉपी करके एक थोड़ी सी झलक सुना देता हूँ आपको, जैसा आप मुनासिब समझें। नहीं नहीं, आप केएल सहगल का भी हमें थोड़ा सा डेमो दीजिए और उसके बाद जो आप नगमा सुनना चाहते हैं वो भी आप जरूर गुनगुनाएंगे। जी जी, चलो मैं पहले केएल सहगल साहब को, जो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं क्या फिल्मी इंडस्ट्री के तमाम जितने भी गायक रहे हैं वो सभी केएल सहगल साहब के बहुत बड़े फैन थे और उनकी गायकी के अंदाज से ही उन्होंने अपनी गायकी चालू की है, चाहे रफी साहब हों, चाहे किशोर दा हों या मुकेश जी हों। तो क्या आपको मालूम है केएल सहगल साहब कहाँ के थे? नहीं, इतना मालूम तो सब कुछ था सर, लेकिन अभी फिलहाल मतलब मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ऐसा कोई बात अभी दिमाग में आनी रह रही आ रही है। वो हमारे जम्मू कश्मीर से थे। क्या बात है, क्या बात है सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आप शुरू कीजिए केएल सहगल साहब की आवाज जो आप कह रहे हैं कि आप कॉपी कर रहे हैं जी, और जी। उसके बाद वो नगमा आप गुनगुनाएंगे जो आप आज सुनना चाहते हैं। जी जी जी, पहले मैं केएल सहगल साहब को सुना रहा हूँ। जब दिल में ही टूट गया, जब दिल में ही टूट गया, हम जीके क्या करेंगे, हम जीके क्या करेंगे, एक भेदी लौट गया, एक भेदी लौट गया, हम जीके क्या करेंगे, हम जीके क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। बहुत थोड़ी सी कोशिश। नहीं नहीं नहीं, बहुत खूब। और दो मिनट के लिए तो मुझे लगा कि केएल साहब ही गा रहे हैं। बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। और आप रफी साहब का बोल रहे गुनगुनाने का, तो भी थोड़ी कोशिश कर लेता हूँ। हो कोई फूल न खिलता ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती अगर तू न होती। कोई फूल न खिलता ये कली भी न होती, जिंदगी भी न होती अगर तू न होती। न होता उजाला और ये रात भी न होती, कोई बात ही न होती अगर तू न होती। कोई फूल न खिलता कोई
कोई जमीन न होती और आसमान न होता, कोई जमीन न होती और आसमान न होता, कोई हसी न होता कोई जवान न होता, ना तारे मुस्कुराते ये नजारे बिखर जाते, कोई खुशी ना होती अगर तू ना होती, कोई फूल न खिलता। प्यार होता ना इंतजार होता, ना कोई प्यार होता ना इंतजार होता, ना कोई दिल मचलता ना बेकरार होता, पूछे जो कोई हमसे ये सब है तेरे दम से, कोई भी शय ना होती अगर तू ना होती, कोई फूल न खिलता, ये कली भी न होती जिंदगी भी न होती अगर तू ना होती जिंदगी। हेलो फरमाइश जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सा बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं आप? हम जावेद खान बोल रहे हैं सर, फरकाबाद से। जावेद साहब, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। जी जी जी। हर रोज आप प्रोग्राम में शामिल होते हैं। बिल्कुल, हर दिन शामिल होते हैं। हम तो 10 बजे के बाद में तो बस बेचैनी हो जाती है कि कैसे बस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने वक्त में से, कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर हमारे प्रोग्राम की इज्जत बढ़ाते हैं। तो ये बताइए कि आपको हमारे प्रोग्राम कैसे लगते हैं? आपके प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छे लगते हैं हमको। हम तो बताए ना, हम तो सुनते ही रहते हैं, आपका प्रोग्राम कोई मिस होने ही नहीं देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी। हाँ, आपकी हेलो फरमा, आपकी पसंद जो रात में प्रोग्राम चलता ना 10 बजे से 11 बजे तक, मैं तो चाहता हूँ उससे टाइम और बढ़ जाए, मुझे कम लगता है और सभी की फरमाइश पूरी नहीं हो पाती। मैं तो चाहता हूँ यह टाइम 9 से 11 हो जाए या 10 से 12 हो जाए। नहीं, क्या है कि मतलब बाकी काम भी होते हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग बाकी काम छोड़ के हमारे प्रोग्राम के साथ ही लगे रहें, है ना? नहीं, वो तो आपकी बात ये बहुत अच्छी है, मगर आपका जो प्रोग्राम चलता है और लोग इसमें जुड़ते हैं और आपकी जो प्यारी सी बातें और प्यारी प्यारी आवाज से सुनने को दिल को जो सुकून मिलता है, वो मुझे तो अभी तक नहीं कहीं मिला किसी रेडियो स्टेशन पे। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतनी बड़ी बात आपने कह दी, इस लायक तो है नहीं हम। नहीं नहीं अंजुम भाई, सच बता रहा हूँ मैं। अच्छा, चलिए। बिल्कुल, आप अपने सुनने वालों से पूछो आप कैसे बताते हैं। हर आदमी आपका जो बोलने का तरीका है और उसमें आप, हमने देखा है कि आप नसीहत भी कर देते हैं लोगों को, आपके बोलने में नसीहत भी कर देते हैं और किसी को कुछ पता नहीं चलता, खराब भी नहीं लगता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जावेद भाई, ये बताइए आज हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? एक फिल्म आई थी 1972 में ललकार, धर्मेंद्र की और राजेंद्र कुमार की जी। उसमें गाना था गालो मुस्कुरालो महफिल सजालो, वो नगमा सुनना था। मतलब बहुत खूबसूरत नगमा है, जरूर आपके लिए पेश करेंगे। कोई और दोस्त हैं आपके साथ जो ये नगमा सुनना चाहते? अरे हमारे तो बहुत सारे दोस्त, अभी तो कल भी मंसूरी साहब एक जुड़े थे, मेरे साथी आपको जुड़े थे, वो भी जुड़े कल। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने के लिए। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिलें सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो,
मन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। हसीनों के खाए ना जिसने सीने पे गोली, वो खाएगा कैसे, खाएगा कैसे। जुल्फों के साए में जो ना जिया हो, तोपों के साए में गाएगा कैसे, गाएगा कैसे। हम सफल तो बना लो, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। नफरत भरे इस जहां में, मोहब्बत का कोई चलन छोड़ जाओ, चलन छोड़ जाओ। यादों में कोई बहाए दो आंसू, किसी दिल में ऐसी लगन छोड़ जाओ, लगन छोड़ जाओ। आजमा लो, गालो गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। पर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो। हेलो फरमाइश, अपनी पसंद का कोई भी फिल्मी नगमा सुनने के लिए हमें फोन करें। कश्मीर कन्वीनर लेकर आया है आपके लिए फिल्मी नगमों का एक नया प्रोग्राम एक नए अंदाज में, जिसका नाम है हेलो फरमाए। के संग तेरे पानियों सा, पानियों सा, पानियों सा बहता रहूं। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते, दिल है के मानता नहीं। दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, आपकी फोन कॉल से तरतीब दिया हुआ ये प्रोग्राम अब हफ्ते में हर बुधवार और इतवार को रात के ठीक 10 बजे नशर हुआ करेगा। इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा।
दोस्तों, आप अपना ये मनपसंद प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर कभी भी और किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और अपना पसंदीदा नगमा सुनने के लिए हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 7780882780। कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। दोस्तों, अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश में जरूर कॉल करें। हम हर शनिचर को शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और तू आए, खुदा करे के कयामत हो और तू। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश। नमस्कार सर। जी नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं और कहां से बोल रहे हैं आप? जी मैं रघुवर कुमार सोनी बोल रहा हूं। रघुवर जी? जी, बिहार के गोपालगंज जिले से। जी 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 बिल्कुल, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं। जी जी सर, नमस्कार, सादर प्रणाम आपको और आप... सभी श्रोताओं को भी मेरा सादर प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बताइए कि आपके यहाँ मौसम कैसा है? मौसम तो सर एकदम बढ़िया है, आज बारिश नहीं हुई है हमारे यहाँ। 3 दिन पहले बहुत बारिश हुई थी हमारे यहाँ और तकरीबन सारे खेत फसल लग गए हैं सारे खेत में। अच्छा अच्छा, ये तो धान की खेती। जी धान की खेती होती है फिलहाल। जी 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 जी, ये मौसम है। तो थोड़ा बहुत अपने बारे में ये भी बताइए कि आप आजकल क्या करते हैं, क्या सर? मैं आजकल मैं बीएड कर रहा हूँ, सेकंड ईयर में हूँ, बीएड फाइनल है मेरा इस साल। अच्छा, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल बिल्कुल, समझ गया मैं बिल्कुल। मतलब ये कि आप हमें पढ़ाएंगे। जी, आने वाले समय में एक अच्छे शिक्षक बने, इसलिए मैं ये ट्रेनिंग ले रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआ है अल्लाह से कि आप बहुत ही अच्छे शिक्षक बने। और धन्यवाद सर। आपको बता दूं कि शिक्षक का जो मकाम है सोसाइटी में, ये सबसे ज्यादा ऊंचा होता है। जी सर। वो कहते हैं कि अगर माँ बाप के बाद किसी का हक है आप पर, तो वो एक शिक्षक का ही है। जी, जिसे उर्दू में हम उस्ताद कहते हैं। जी। तो ये बताइए, आज हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? आज मेरे लिए आप सर भगवान फिल्म का एक गाना सुना दीजिए। जी जी, जरूर सुनवाते हैं, बोल बताइए आप। बागों के हर फूल को अपना समझे भगवान, जो अमिताभ बच्चन साहब ने और ऋचा शर्मा जी ने गाया है। जरूर आपको सुनवाते हैं। कोई और दोस्त हैं आपके साथ जो ये नगमा सुनना चाहते हैं? जी सर बिल्कुल, उत्तराखंड के एक शिक्षक ही हैं और मेरे आदरणीय श्री गंगा सिंह रावत सर जी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से हैं एक और आदमी, उनका नाम है जीवन प्रकाश चमोली जी। जी 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 जी। और एक है मनोहर चमोली जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो, सारे लोग उत्तराखंड के ही हैं और सब लोग शिक्षक हैं। जी, तो आप सभी असातिज़ा साहिबान के लिए हम पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। बाग को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा। रुत आए रुत
को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, हर घड़ी करे रखवाली पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान, बागवान रब है बागवान। हेलो फरमाइश। विनायक धनेश्वर नासिक महाराष्ट्र से। सर विनायक साहब आपका एक बार फिर हम वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर रोज प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सर आपका प्रोग्राम ही ऐसा है ना सर कि उसने इतना दीवाना बना दिया है और आगे इतने इतने इतना उसकी खुशी मिलती है सर और इतनी मिलने वाली है हर रोज, मतलब एक से एक गाने रहते सर, सभी पसंद के जितने भी श्रोता इसमें गाने देते हैं सर, सभी नंबर वन गाने, तो इसीलिए एक घंटा कब निकल गया पता नहीं चलता सर, इसीलिए कार्यक्रम मुझे बहुत पसंद आता है सर, ये मेरे मन की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बिल्कुल आपकी बात सही है। हमारे श्रोता की जो श्रोता पसंद के नगमे अपने यहाँ पे सुनते हैं बहुत ही खूबसूरत नगमे होते हैं और मुझे भी यकीन मानिए मुझे पता ही नहीं चलता है कि एक घंटा कब खत्म हुआ। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा होता है, आप लोग जो कमेंट्स करते हैं मेरी हौसला अफजाई करते हैं,
और इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी ऐसा है ना सर, हमने भी बहुत सारे अनाउंसरों को देखते हैं, उनको भी सुनते हैं सर, मगर आपके साथ एक अपनापन और एक अपना तो ऐसा हो गया ना सर कि उसकी खुशी हमें हर दिन मिलती है सर। मतलब आप किसी श्रोता से बात करते तो हमें लगता है कि आप मेरे से ही बात कर रहे हैं, मतलब ये आपका अटैचमेंट हमें बहुत लुप कर देता है सर। मतलब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप ये बताइए आज हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? सर अभी दो दिन पहले हमारे दिलीप कुमार साहब के प्यारे हो गए सर, तो उनकी एक 1968 में एक संघर्ष फिल्म आई थी सर। संघर्ष, बिल्कुल संघर्ष, उसमें एक मोहम्मद रफी साहब का गाना है जो शकील बदायूनी साहब ने लिखा है और नौशाद साहब का संगीत है सर वो। जी जरूर आपको सुनवाते हैं, आप बोल बताइए। हाँ, गा के बताता हूँ सर। जी जी प्लीज। जब दिल से दिल टकराता है मत पूछिए क्या हो जाता है, झुकती है नजर रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है। जब दिल दिल टकराता है देखा था तुझे एक बार कहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं, उस दिन से अभी तक होश नहीं। फिर इश्क ने करवट बदली है, फिर सामने तू है महजबीन। अब देखिए क्या क्या दीदार तेरा दिखलाता है। जब दिल से दिल टकराता है ये हुस्न शराबी महका बदन, और उस पे तेरा ये भोलापन। तेरी भी उम्मीदें जागी हैं, कहती है तेरे दिल की धड़कन। बेताब है तू भी मेरे लिए, अंदाज तेरा बतलाता है। जब दिल से दिल टकराता है मत पूछिए क्या हो जाता है। मुखड़ा न छुपायूं हाथों से, दिन को न बदल अब रातों से, दिन को न बदल अब रातों से। गुलशन में बिखरने दे नगमे तू प्यार की मीठी बातों से। ऐ हुस्न की देवी आँख मिला, अपनों से कोई शर्माता है। जब दिल से दिल टकराता है मत पूछिए क्या हो जाता है, झुकती है नजर रुकती है जुबां, माथे पे पसीना आता है। जब दिल से दिल टकराता है।
हेलो फरमाइश। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, रफी रहमान साहब बोल रहे हैं मेरे ख्याल पे। जी मैं रफी रहमान बोल रहा हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ रफी भाई, आप सुनाइए, आपकी नाराजगी दूर हुई कि नहीं? अरे जनाब नाराजगी क्या बात है, मैं तो किसी से नाराज रहता हूँ तो सिर्फ 3 दिन के लिए, उसके बाद मैं खुद ब खुद जो है। लेकिन एक चीज है ना, आप तो 3 दिन कहते हैं, हमसे तो 1 घंटा भी नहीं रहा जाएगा ना आप अगर नाराज होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। ठीक है, हमारी पसंद का गीत सुनवा दीजिए मेरे सनम से। हम जरूर आपको आपकी पसंद का नगमा सुनवाएंगे। तो पहले आप ये बताइए कि आजकल आप क्या करते हैं, क्या मसरूफियात हैं आपकी? हमारे मसरूफियात क्या है, आपको तो पता ही है कि मैं इधर उधर भागा फिरता हूँ, क्या करूँ, कंपनी का काम है। और अभी वेस्ट बंगाल में था, वेस्ट बंगाल से अब जो है यूपी आ गया हूँ। अच्छा। यही मजगले हैं हमारे, मार्केटिंग करवाना हमारा काम है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये बताइए कि हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? मेरे सनम का एक गीत सुनवा दीजिए, दूज सॉन्ग है, हम तब मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार, कहना मेरे प्यार का। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत नगमा है ये। तो कोई और दोस्त है आपके साथ जो ये नगमा सुनना चाहते हैं? हमारे कई दोस्त हैं, मौसम मंसूरी साहब हैं, रामदीप प्रसाद जी हैं, और एक शमीम अहमद अश्क हैं। ये सब लोग जो है ना आपके प्रोग्राम को सुनते भी हैं, बड़े खुलूस से, बहुत मतलब दिल से सुनते हैं, और आपकी आवाज की तारीफ क्या करूं मैं, ये तो आप खुद जानते हैं कि सारे लोग जो है ना आपकी आवाज के दीवाने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, मुझे लगा था कि आप अपने दोस्तों में से मेरा नाम भी लेंगे। बिल्कुल, आप तो हैं, आप तो दिल में हैं भाई साहब। आप तो दिल में है। शेर आपके लिए मैंने लिखा था, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, कल तेरा जिक्र छिड़ गया था घर में, घर मेरा देर तक महकता रहा। रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे मान भी जाओ, कहना मेरे प्यार का, अरे हल्का हल्का सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे। की हवा पहले चलती है, फिर एक लट इनकार की रुख पे ढलती है, ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम, लटे चेहरे से सर का तमन्ना आंखें मलती है, हाय हमदम मेरे मान भी जाओ, सुर्ख लबों पे रंग तो है इकरार का, अरे हमदम मेरे।
मिलके सभा दुनिया महकाए। बादल ने जो भी किए आंचल के साए है, तुमसे मिल मिल के सभा दुनिया महकाए। बादल ने जो भी किए आंचल के साए, ये सच है कम से कम तो ऐ मेरे सनम। चुरा लो मैं भी दो जलवे, मेरा अरमां भी रह जाए। हेलो फरमाइश। हेलो फरमाइश जी। बिल्कुल, हम हेलो फरमाइश से बोल रहे हैं। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं आपका पुराना सामई गंगा सिंह रावत, रामपुर हल्द्वानी उत्तराखंड से। जी जी जी, गंगा सिंह रावत साहब, आप हर रोज हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। जी, तो आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी, क्या करते रहते हैं आप? बस मैंने आपको बताया था शायद पहले कि मैं एक शिक्षक हूँ, तो उसके नाते ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है बच्चों की आजकल, और जब ये कोविड चला जाएगा तभी ऑफलाइन पढ़ाई वगैरह हो पाएगी, तो फिलहाल तो ऑनलाइन चल रही है पढ़ाई। जी, लेकिन एक चीज है ना, क्या आपको लगता है कि ऑनलाइन जो पढ़ाई इस वक्त चल रही है, इससे बच्चों का मतलब वही वाला फायदा मिलता है जो ऑफलाइन क्लासेस में मिलता है? नहीं सर, इसमें उतना फायदा नहीं मिलता है, क्योंकि फिजिकली बच्चा हमारे सामने नहीं होता है। और ऑनलाइन माध्यम में फिर यह है कि टेक्नोलॉजी की सहायता से मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू बच्चा हमारे सामने आता है, लेकिन उसमें फिर नेटवर्क इश्यू हो जाता है, और फिर कई बार ऐसा होता, बाज दफे ऐसा होता है कि बच्चे ऑनलाइन में आ जाते हैं लेकिन वो अपना वीडियो ऑफ करके कुछ गेम वगैरह खेलने लग जाते हैं, तो इस तरह की चीटिंग बच्चे कर देते हैं इसमें, तो वो बात नहीं है जो ऑफलाइन में होती है। नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि मतलब अगर हम देखें जो सरकारी स्कूल्स हैं, जी, तो वहाँ पे जितने सारे बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे जो हैं वो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनकी इनकम बहुत कम होती है। जी जी जी। तो ऐसे बच्चों के पास मुझे लगता है कि स्मार्टफोन्स नहीं होते हैं। जी जी। तो वो शायद ऑनलाइन क्लासेस से महरूम रहते हैं। जी, तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि ये बीमारी जो है ये जल्द से जल्द खत्म हो जाए और पूरी दुनिया में सुकून और चैन फिर से लौट आए। जी, और जो पहले वाला जो माहौल है फिर से वही माहौल लौट के आए। बिल्कुल वही माहौल लौट के आए। जी, तो ये बताइए आज हम आपके लिए कौन सा नगमा पेश करें? आज मैं अपनी पसंदीदा गुलुकारा आशा जी का गाना सुनना चाहूंगा। जी, नगमे की बोल बताइए। वो ओपन अय्यर जी ने उसको उसकी मौसीकी तैयार की है, और वो है प्राण जाए पर वचन ना जाए फिल्म से, चैन से हमको आपने कभी जीने ना दिए। अच्छा अच्छा, बहुत खूबसूरत नगमा है ये। जी, तो कोई और दोस्त आपके साथ हैं जो ये नगमा सुनना चाहते हैं? जी, मेरे साथ दो चार दोस्त हैं, नाम लेना चाहूंगा। जगदीश राय गर्ग जी मानसा पंजाब से, कमल दास फिरोजपुर से, सासा मुसाब गोपालगंज से, रघुबर सोनी जी, और गोपाल हमारे भाई राम प्रसाद जी गुप्ता जी, और चमोली से हमारे भाई जीवन प्रकाश चमोली जी। आप सभी दोस्तों के लिए पेश कर रहे हैं आशा भोसले की आवाज में ये खूबसूरत सा नगमा। Thank you.
तो दोस्तों, इस खूबसूरत नगमे के साथ ही अब आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। अगर आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं और अपनी पसंद का नगमा सुनना चाहते हैं तो हर शनिचर को शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7780882780। अब अपने मेजबान अंजुम निसार को इजाजत दीजिए। कल रात के ठीक 10 बजे मामूल का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। हेलो फरमाइश। अपनी पसंद का कोई भी फिल्मी नगमा सुनने के लिए हमें फोन करें। कश्मीर कन्वीनर लेकर आया है आपके लिए फिल्मी नगमों का एक नया प्रोग्राम एक नए अंदाज में, जिसका नाम है हेलो फरमाए। के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा बहता रहूं। बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। लग जा गले के फिर हसी रात हो ना हो। सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ के वो कितने मासूम थे। क्या से क्या हो गए देखते देखते। दिल है के मानता नहीं, दिल दिया गल्ला करांगे नाल नाल बैके, अख नाले अख नू मिला के। दिल दिया गल्ला। आपकी फोन कॉल से तरतीब दिया हुआ ये प्रोग्राम अब हफ्ते में हर बुधवार और इतवार को रात के ठीक 10 बजे नशर हुआ करेगा। इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा कहां से। दोस्तों, आप अपना ये मनपसंद प्रोग्राम हमारे YouTube चैनल पर कभी भी और किसी भी वक्त सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, फोन उठाइए और अपना पसंदीदा नगमा सुनने के लिए हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 7780882780। कल याद कुछ और रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। दोस्तों, अपने इस पसंदीदा प्रोग्राम हेलो फरमाइश में जरूर कॉल करें। हम हर शनिचर को शाम के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक आपका इंतजार करेंगे। हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे के कयामत हो और तू आए। खुदा करे के कयामत हो और तू। हेलो फरमाइश।